दीदी आलू का खेती? बहुत अच्छा दीदी, ये वाला खेती, ये वाला आलू वाला खेती से ये खेती बहुत अच्छा है। क्या ये वही खेती तो नहीं है दीदी जो पिछले बार हम लोग समूह में चर्च कर रहे थे? सही पहचान है संगीता दीदी, वही आलू का खेती है जो जीरो टिलर से लगाते हैं। देखिए दीदी, जीरो टिलेज की खेती इस बार हम लोग समय से लगा लिए हैं। खेत कितना हरा भरा और पुष्ट है, सब कुछ अच्छा रहा तो उपज भी अच्छा होगा। समूह में जीरो टिलेज आलू के बारे में चर्चा हो रही थी बेबी दीदी। हाँ, लगता है कि जीरो टिलेज के आलू की खेती में कम लागत लगती है। हाँ दीदी, हमने भी अपने पति को बोल रखा है अगली बार से हम भी जीरो टिलेज आलू की खेती करेंगे। दीदी लगता है कि आप आलू की खेती जीरो टिलेज से अगले बार पक्का लगाएंगे? हाँ दीदी, हम पक्का लगाएंगे। वो देखो कौन आ रहे हैं। उन लोग का कैसे पता लगा कि हम लोग यहाँ पर हैं? नमस्ते बेबी दीदी, आप तो संगीता दीदी को खेत दिखाने के लिए आ ही गए। हाँ भैया, आपका फसल तो हमने देख लिया, खली बहुत अच्छा है। हम भी सोच रहे थे जीरो टिलेज आलू के खेती करने के लिए, लेकिन मुझे जानकारी नहीं है। हाँ दीदी, सब बात यहाँ खड़े खड़े कर लीजिए, कहीं बैठ के बात करते हैं। हाँ भैया चलिए। हाँ भैया, आप बताइए जीरो टिलेज आलू के बारे में। संगीता दीदी, भूषण भैया आप लोग के बारे में सब कुछ हमको बता दें कि आप लोग खेत के तरफ गए हैं। जीरो टिलेज से आलू की खेती के बारे में हम आप लोग को विस्तार पूर्वक बताते हैं। अगर लागत के बारे में हमें पहले से पता चल जाता तो हम लोग भी हिम्मत जुटाते और इसी तरह से खेती करते। संगीता, इसमें हिम्मत नहीं जानकारी की जरूरत है, इसमें लागत ही कम लगता है। भैया आप बताइए कि जीरो टिलर से खेती आलू की कैसे होती है? आप लोग को तो जीरो टिलर से खेती के बारे में सब कुछ पहले से ही जानकारी है, अब उसका लागत के बारे में हम आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं। अब आप लोग को कट्ठे के हिसाब से लागत के बारे में हम आप लोग को बताते हैं ताकि आप लोग को जानकारी होने में आसानी हो। कट्ठे के हिसाब से बताइए ताकि हमें समझने में आसानी हो। सबसे पहले बीज की बात करें तो जीरो टिलेज से आलू की खेती करने में एक कट्ठे में 35 से 40 किलो आलू के बीज की ज़रूरत पड़ती है, और एक आलू का वजन 25 से 30 ग्राम तक हो तो अच्छा होता है। बीज के लिए इससे बड़ा या छोटा आलू नहीं लें। इसके अलावा एक कट्ठे में 50 से 60 अटिया पुआल की ज़रूरत पड़ती है तथा 50 से 75 किलो वर्मी कंपोस्ट या सड़ा हुआ गोबर की खाद का प्रयोग करना है। अटिया जो हम लोग अपने लिए बनाते हैं वही ना? हाँ वही वही। हाँ, अब बात करते हैं एक कट्ठे में कितनी रासायनिक खाद की जरूरत पड़ती है। हमें एक कट्ठे में DAP 1 किलो 600 ग्राम, MOP 1 किलो 600 ग्राम, यूरिया 2 किलो 500 ग्राम तथा NPK 19-19-19 के 60 से 70 ग्राम का घोल बनाकर इसको दो बार स्प्रे करना चाहिए। अगर NPK 13.045 हो तो 30 ग्राम प्रति कट्ठा इसका प्रयोग करना चाहिए। दीदी मैं इसका वीडियो दे दूंगा, उसमें सारी जानकारी होगा। सही समय में सही मात्रा में रासायनिक खाद का प्रयोग होगा तो फसल अच्छी होगी और रोग मुक्त होगी। भैया ये बताइए कि पुराने विधि से खेती में इस विधि की खेती में लागत कम लगेगी कि ज़्यादा? हाँ भूषण भैया, जीरो टिलेज से आलू की खेती करने में खर्च कम लगेगा या ज़्यादा? मुझे लगता है जुताई का पैसा 1500 से 2000 रुपया तो ऐसे ही बच गया, लगता है कम ही लगेगा। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, जीरो टिलेज से आलू की खेती करने में समय भी कम लगता है, खर्च भी कम लगता है, इसमें फायदा ही फायदा है। भूषण भैया क्या सोच रहे हैं आप? यही कि इस साल तो हमारा नुकसान हो गया। धन्यवाद अशोक भैया, आपने इतना अच्छा विस्तार से हमें बताया जीरो टिलेज से आलू के खेती के बारे में, बताए हमें क्या क्या लागत लगा उसके बारे में भी बताए। हम लोग भी आगे साल से इसी विधि से खेती करेंगे, लागत बचाएंगे, मुनाफा कमाएंगे और इससे होने वाले फायदा के बारे में सभी को जानकारी देंगे और बताएंगे।